नमो सिद्धाणां नमो आयरेयाणां नमो उवज्जायाणां नात्रयाराधका पञ्चेति परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलं। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिने अरहते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकार बिंदु सायोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरंधानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रमं मेलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहं विराजो। ॐ कारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिनं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहं। नीरन्द्रे भवकानने परिगलत् पञ्चाश्रुवाम्बोधरे नानाकर्मलतावितान गहने मोहांधकारोद्दुरे भ्रांतानामिह देहिनां हितकृते कारुण्यपुण्यात्मभिस्तीर्थेश हि प्रथिता सुदारसकिरो
रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धे गुरुचरण धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, अगर किसी बर्तन में नींबू की खटास लगी है तो क्या उसमें आप दूध डाल दोगे? क्या होगा? अगर पनीर बनाना है तो बात अलग है, लेकिन यदि बर्तन स्वच्छ नहीं है तो आप उसमें कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं डालोगे कि जिससे वह खराब हो जाए। एक बार एक गांव में महात्मा जी आए, उनका रोज प्रवचन चलता था, रोज लोग दूर दूर से उनका व्याख्यान सुनने के लिए आते थे, गांव से भी आते थे और गांव से दूसरे परले गांव से भी लोग आते थे। लोग आते प्रवचन के बाद महात्मा जी को आहार की भी विनंती करते, महात्मा जी समय होने पर अपना कमंडलू लेकर के गांव में आहार के लिए भी जाते। इसी तरह से एक बार थोड़ी आवाज कम कर, एक बहन जो कि दूसरे गांव से आती थी, थोड़ी दूर से आती थी, उसने कहा कि महात्मा जी मेरा गांव थोड़ा दूर है और आप आओगे जाओगे उसमें तो आपका कितना समय चला जाएगा, इसलिए महात्मा जी मैं चाहती हूं कि आप मुझे भी लाभ दें, मुझे भी अवसर दें और मुझे भी कुछ ज्ञान दान दें, कुछ मुझे भी बोध दें, कुछ मुझे भी संत समागम का सौभाग्य प्रदान करें। महात्मा जी ने कहा ठीक है बहन, समय आने पर आपको वो भी बता दूंगा। और उस समय उस बहन ने कहा कि महात्मा जी आप जब आए तो इतनी कृपा अवश्य करना कि वहां इतनी दूर आओ तो पहले मुझे कुछ बोध देना, कुछ प्रवचन देना, उसके बाद आहार का भी लाभ देना। महात्मा जी ने कहा ठीक है भाई। एक दिन महात्मा जी ने उसको ओके किया, तारीख दी और उस बहन ने महात्मा जी के आगमन से पहले उनके आहार के लिए बड़ी तैयारियां करी और उस समय वह अपने रसोई घर में तरह तरह के माल मिष्ठान तैयार करती है कि आज महात्मा जी आएंगे, उनको मुझे आहार देना है, आहार का लाभ लेना है। महात्मा जी का जब समय हुआ चलने का और वो अपना कमंडलू लेकर के जैसे ही अपनी झोंपड़ी से रवाना हुए, रास्ते में विचार आया कि अरे उस बहन को मुझे कुछ प्रवचन भी देना है, व्याख्यान भी देना है, कुछ बोध भी देना है, उसके बाद में जाकर के आहार मिलेगा, चलो कोई बात नहीं। चलते चलते रास्ते में महात्मा जी को एक जगह के ऊपर में गोबर पड़ा हुआ दिखाई दिया। महात्मा जी ने उसमें से गोबर उठाया, कमंडलू में डाल लिया। आगे गए तो कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ था, उसमें से कचरा उठाया, अपने कमंडलू में डाल लिया। इस तरह से
गोबर कचरा कूड़ा सब कमंडलों में भर लिया, रवाना हुए, पहुंच गए उसके घर जो एड्रेस दिया था। वो बहन इंतजार ही कर रही थी और जैसे ही महात्मा जी पहुंचे उसने स्वागत किया, वेलकम किया, घर में से खुशबू ही खुशबू आ रही थी। और महात्मा जी अंदर गए और उसके बाद में महात्मा जी ने कहा कि पहले तो भूख लगी है, इतनी दूर से आया हूं, आज पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, प्रवचन तो बाद में भी हो जाएगा, पहले भी कुछ तैयारी हो तो कुछ आहार हो जाए। उसने कहा कि ठीक है महात्मा जी, जैसी आपकी अनुकूलता। वो अपने रसोई घर से तरह तरह के व्यंजन माल मिष्ठान सब लेकर के आई और महात्मा जी को कहा कि महात्मा जी ग्रहण कीजिए। और महात्मा जी ने अपने आहार का कमंडलू आगे रखा। उस बहन ने जैसे ही अपना बर्तन उठाया, उसने कहा पहले मीठे से शुरू करूं, उसने खीर उठाई और खीर उठा करके जैसे कमंडलू में डालने लगी और अंदर देखा तो अरे भगवान ये क्या महात्मा जी, अरे आपका कमंडलू, अरे क्या हुआ, अरे महात्मा जी, अरे इसके अंदर में तो गंदगी पड़ी है, कूड़ा कचरा पड़ा है, तो तेरे को क्या दिक्कत है, अरे तू तो तेरी खीर बो रहा। उसके हाथ रुक गए, ना 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 महात्मा जी मैं इसमें खीर नहीं देने वाली, अरे महात्मा जी आपका कमंडलू इतना गंदा है, पता नहीं कहां से उठा के लिए। अरे बहन तुझे आहार देना है ना, तुझे मेरी पंचायत क्यों कर रही है, मेरा कमंडलू है, मेरा सामान है, तुझे क्या लेना देना, तुझे आहार देना है मेरे इस कमंडलू में, तू डाल दे। उसने कहा ना इसमें तो गोबर पड़ा है, कूड़ा कचरा पड़ा है और मैं अपनी इतनी बढ़िया खीर, अरे मैंने कैसे बनाई है, कितनी रिझाई है, क्या क्या इसमें डाला है, कितनी स्वादिष्ट है, कितनी इसकी सुगंध है, आपको क्या पता कितनी बहुमूल्यवान खीर है, कितना मेवा इसमें मैंने डाला है, तो तुझे क्या दिक्कत है, अरे मेरे कमंडलू में जिस तरह से ये सब पड़ा हुआ है ऐसे तेरी खीर भी इसमें आ जाएगी। उसने कहा महात्मा जी कुछ है कि नहीं है, खाली सुनाते हो बड़ी बड़ी बातें और अब कह रही हो कि इसमें जैसे ये पड़ा है ऐसे मेरी खीर भी आ जाएगी। अरे महात्मा जी यदि मैंने इसमें अपनी खीर डाल दी तो क्या होगा, इस कूड़े कचरे के साथ मिलकर के मेरी खीर भी कूड़ा कचरा हो जाएगी, मेरे द्वारा दिए गए स्वादिष्ट व्यंजन पकवान वह भी गोबर जैसे हो जाएंगे, खाने योग्य नहीं रहेंगे, आहार योग्य नहीं रहेंगे, वह तो कूड़ा कचरा हो जाएंगे, ना 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 मैं तो नहीं देने वाली। महात्मा जी ने कहा फिर तुझे क्या करना है, महात्मा जी पहले तो मुझे आपका कमंडलू दीजिए, पहले मैं इसको साफ करके लाती हूं, धो करके लाती हूं। उसने कहा ठीक है ले जा। वो बहन लेकर के गई, पूरे कमंडलू को साफ किया, धोया, अच्छी तरह से स्वच्छ करने के बाद में, धोने के बाद में, सुखाने के बाद में फिर वो कमंडलू लेकर के आई, लीजिए महात्मा जी अब आहार ग्रहण कीजिए। और उसमें उसने बढ़िया बढ़िया माल मिष्ठान पकवान डाले, महात्मा जी ने आहार किया और आहार कर लेने के बाद में महात्मा जी ने आशीर्वाद देकर के रवाना होने लगे। बहन ने कहा अरे महात्मा जी ऐसे कैसे जा रहे हो, अरे आपने खाना खा लिया, भोजन कर लिया और रवाना। अरे महात्मा जी मैंने कहा था जब आप आओ तो मुझे कुछ व्याख्यान देना, कुछ प्रवचन देना, कुछ बोध देना और आप खा पी के रवाना। उसने कहा अरे बहन सबसे पहले आते ही तो मैंने तुझे बोध दिया है, आते ही तो ज्ञान दिया है, मेरा प्रवचन तो हो चुका, तू समझी नहीं। अरे महात्मा जी क्या समझाया आपने। अरे बहन तू इतना कहती कि हमको प्रवचन दो, हमको बोध दो, हमको ज्ञान दो, हमको शिक्षा दो। अरे बहन
जिस तरह से जब तक कमंडलू में कूड़ा कचरा गोबर भरा हुआ था और उस अपवित्र पात्र में, उस गंदे पात्र में तूने अपनी कीमती खीर नहीं बहराई, क्योंकि यदि खीर डाल देती तो तेरी खीर भी अपवित्र हो जाती, खाने लायक नहीं रहती। उसी तरह से तुम कह रही हो कि मुझे ज्ञान दो, बोध दो, प्रवचन दो, लेकिन तेरे मन के पात्र में क्या क्या पड़ा है? तेरे मन के पात्र में तो देख ले झांक करके, उसमें कितना कूड़ा कचरा है, कितना उसके अंदर में गोबर है, कितनी बुराइयां हैं, कितने अवगुण हैं। और तेरे इस गंदे पात्र में, इस कचरे के पात्र में, इस मन के पात्र में मैं परमात्मा की वाणी, जो खीर से भी ज्यादा कीमती है, खीर से भी ज्यादा अमृत तुल्य है, ऐसी महान मूल्यवान परमात्मा की वाणी और तेरे इस गंदे पात्र में कैसे डाल दूं? जिस तरह से तूने मेरा कमंडलू पहले साफ किया, स्वच्छ किया, उसके बाद में वो खीर तूने डाली, उसी तरह से जब तक तेरा मन स्वच्छ नहीं होता, मन पवित्र नहीं होता, मन का पात्र तुम्हारा जो है वो साफ नहीं होता, मैं ये जिनवानी रूपी परमात्मा का पानी, अमृत, ये तेरे मन पात्र में कैसे डाल दूं? यदि तुझे चाहिए बोध तो सबसे पहले क्या करो, अपने मन की शुद्धि करो, अपने मन के पात्र को पवित्र करो। अगर मैंने इसमें डाल दिया तो क्या होगा कि तुम्हारे उस कूड़े कचरे के साथ में ये परमात्मा की वाणी भी कोई काम नहीं करेगी। उसी में कचरा पड़ा है, उसी में अमृत पड़ा है, दोनों मिलकर के दूध फट जाएगा, उसके अंदर में दूध नहीं टिकेगा, वस्तु नहीं टिकेगी। हम चाहते हैं कि बस हमें तो सुनाते जाओ, बताते जाओ। अरे भाई, बताने से पहले, सुनने से पहले हमें जिसमें ग्रहण करना है, उस पात्र की स्थिति क्या है, योग्यता क्या है, वो तो कभी देखा ही नहीं, पात्र की ओर तो ध्यान ही नहीं, और अमूल्य बहुमूल्य परमात्मा की वाणी को सुनना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन कूड़े कचरे के बीच में डालते जा रहे, उसकी कोई उपयोगिता नहीं, वह भी मूल्यहीन हो जाएगी, उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। अगर पात्र साफ है तब जाकर के जिन वाणी उस पात्र में टिकेगी, अपना असर दिखाएगी। कहते हैं कि शेरनी का दूध हर किसी पात्र में नहीं टिकता। किस पात्र में टिकता है? सोने में टिकता है। अगर शेरनी के दूध को आप सोने के अतिरिक्त किसी भी पात्र में डालोगे तो पात्र भी टूट जाएगा और दूध भी खराब हो जाएगा। शेरनी का दूध इतना शक्तिशाली होता है, इतना ऊर्जात्मक होता है कि वो सोने के पात्र में ही टिकता है। उसी तरह से परमात्मा की वाणी इतनी शक्तिशाली है, इतनी प्रभावशाली है, इतनी मंत्रों से गर्भित है, रहस्यों से भरी हुई है, और हम चाहते इसी खोपड़े में डाल दो महाराज, डाल दो, सब आने दो, इसमें कूड़ा कचरा, अच्छा बुरा सब। गुरु महाराज कहते ना भैया ना, ये इतनी अमूल्य बहुमूल्य वाणी और इस कचरे के पात्र में मैं कैसे डाल दूं? सबसे पहला कार्य जिन वाणी ग्रहण करने से पहले, धर्म मार्ग पर चलने से पहले, कि हम पहले अपने मन के पात्र को साफ करें, अपनी योग्यता, अपनी पात्रता तैयार करें, और उसके बाद में ये जिन वाणी अपना रंग दिखाएगी, उसके बाद परिवर्तन दिखाएगी, उसके बाद चमत्कार के सृजन होंगे, पहले चमत्कार नहीं होंगे। हम तो उसी में मिक्स करी जा रहे हैं सब कुछ एक साथ में। दूध का गिलास हो और उसमें एक बूंद यदि विष की चली जाए तो क्या होगा? दूध पीने लायक रहेगा? नहीं रहेगा। कितनी भी जिनवाणी का श्रवण कर ले, अमृत का श्रवण कर लो भैया, लेकिन एक भी यदि उसके अंदर में कषाय की एक भी बूंद पड़ गई तो सारा दूध बेकार। इसलिए सबसे पहली योग्यता, सबसे पहली प्राथमिकता कि हम अपने मन के पात्र को पहले पवित्र करें। जिनवाणी का पान तो होगा ही, जब तक चातुर्मास से रोज प्रवचन होंगे, शेष काल में भी जब जब गुरु भगवंत, सात्विक जी भगवंत आएंगे, आपको प्रवचन श्रवण करने का मौका मिलता रहेगा, लेकिन उससे होगा क्या? जिसमें ग्रहण करना है, जिसमें धारण करना है,
उसमें जो संसार की खटास लगी है वो दूर नहीं करेंगे, उसको स्वच्छ नहीं करेंगे, उस कचरे को नहीं निकालेंगे, ये जिनवानी क्या करेगी। इसलिए योग्य शिष्य को योग्य ज्ञान दिया जाता है, हर किसी को हर ज्ञान नहीं दिया जाता। और यदि अयोग्य को ज्ञान दे दिया जाए तो निश्चित वो हानि का कारण बनेगा। वो ज्ञान लोक कल्याण के लिए नहीं, लोक मंगल के लिए नहीं, वो संसार के विनाश का कारण भी बन सकता है। एक कहानी है, आपने भी सुनी होगी। एक आश्रम में महात्मा जी के पास में कुछ शिष्य अध्ययन कर रहे थे। महात्मा जी ने बड़े मनोयोग से, बड़े प्रेम से उन सभी शिष्यों को ज्ञान दान दिया। ऐसी ऐसी उनको विद्याएं, ऐसे ऐसे मंत्र उनको सिखाते गए, सिखाते गए, सिखाते गए। और वो शिष्य भी महात्मा जी के आश्रम में रह करके बहुत कुछ सीखे और कई साल उनको महात्मा जी के पास में पढ़ाई करते हुए लग गए। पहले गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी, शिष्य गुरुकुल वास में रहते थे, घर नहीं रहते थे। 25 साल तक का उनका जीवन गुरुकुलवास में, ब्रह्मचर्य आश्रम। और जब उनका अध्ययन समाप्त होने आया तो गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि देखो, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे पास में जो जो भी विद्याएं थी, ज्ञान था, वो सारा मैं आपको सिखा चुका हूं। और अब तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हो, अब कल से तुम्हें छुट्टी, अब कल से तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ होगा। अब मैंने जो तुमको सिखाया है उसको तुम अपने जीवन में, व्यवहार में इसको इस्तेमाल करना, इस विद्या का, इस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में करना। आज हमारे पास में स्कूल की पढ़ाई तो बहुत है, लेकिन जीवन में काम आए ऐसी पढ़ाई किसके पास है? किताबी पढ़ाई है, किताबों में क्या लिखा है केवल वहां तक अटक गए। जीवन में समस्या आए उस समय उस समस्या का सामना कैसे करना, शांत कैसे रहना, धैर्य कैसे बनाए रखना, शांति कैसे बनाए रखना, निर्णय कैसे लेना, उन परिस्थितियों में हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे उन समस्या से निकलना है, ये विद्या कहां? किताब की विद्या तो बहुत इकट्ठी कर ली, बड़ी बड़ी डिग्रियां तो बड़ी इकट्ठी कर ली, अपने नाम के साथ में बड़ी बड़ी डिग्रियां हम लगा देते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जाएंगे तो राम नाम सत है, ठन ठन गोपाल है, डिग्रियां बड़ी बड़ी हैं। एक बार एक लड़के की शादी हुई और कुछ समय के बाद में उसके मित्र उसको मिले, उसने कहा कि भाई तेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी चलती होगी, अरे जिससे तेरी शादी हुई वो कितनी पढ़ी लिखी तुझे मिली है, कितनी पढ़ी लिखी तुझे मिली है। उसने माथे पे हाथ मारा, क्या यार, अरे उसकी डिग्रियां देख करके मैं तो लट्टू हो गया, लेकिन खाली डिग्री से क्या होना था, अरे शादी करके घर आई, अरे डिग्रियों को क्या करूं मैं, अरे उसको तो रसोई का कुछ भी नहीं आता, ऐसी डिग्रियां मेरे किस काम की, जिसको घर में क्या करना है, घर कैसे चलाना है, उसकी एबीसीडी जिसको नहीं पता, तो डिग्रियों को क्या करूं, खाऊं डिग्रियों के पकोड़े निकालूं। अरे रसोई में भेजा, रोटी बना के आ, अरे रोटी क्या बनाने गई, पाकिस्तान का नक्शा बना के ले आई। उसको बोला सब्जी छोंक दे, अरे सब्जी क्या छोंकती, सारा घर छींकने आ गया। अरे केवल डिग्रियां देख करके मैं लट्टू हो गया, लेकिन
कोई मतलब नहीं। जिसके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, जीवन ज्ञान नहीं है, जीवन मंत्र नहीं है, परिवार में कैसे रहना, परिवार कैसे चलाना, संबंध कैसे निभाने, बड़े छोटों का आदर कैसे करना, बड़ों को सम्मान दो, छोटों को प्यार दो, और क्या चाहिए जीवन में। लेकिन ये हमारी आज की पढ़ाई ने हमें ऊर्दा बना दिया है, संवेदनाएं खत्म कर दी है, एक दूसरे का सम्मान खत्म कर दिया है। बीबी कहती मैं भी पढ़ के आई हूं, मैं भी कमाती हूं, तू कौन है? अरे मैं कमा के लाती हूं घर में, मेरे से घर चलता है। कितना अहंकार आ गया, विद्या ने, पढ़ाई ने, ज्ञान ने उसको विनम्र नहीं बनाया, अहंकारी बना दिया। वो कहती मैं भी तो कमाती हूं, मेरा खाते हो तुम सब, और घर आने के बाद में घर कैसे चलाना। जिसके पास यही व्यवहारिक ज्ञान नहीं है उसकी पढ़ाई किसी काम की नहीं, उसका पढ़ाई लिखाई सब फेल है। लेकिन जिसके पास में भले कुछ नहीं पढ़ा, भले अनपढ़ है, भले मां को कुछ नहीं आता, मां अनपढ़ होगी, लेकिन यदि उसके पास में अनुभव का खजाना है, यदि उसके पास में व्यवहारिक कुशलता है, तो मां पढ़ी लिखी है, बहु अनपढ़ है। जीवन जीने की कला, ये सबसे बड़ी पढ़ाई है। आज की तारीख में ये सब कुछ खो गया। आज तो अगर रिश्ता देखने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि लड़का वाइट है, पहले गोरा चिट्टा होना चाहिए, चंगी तरह पाउडर मल के ले आओ। देखने में पहले वाइट, फिर देखेंगे हाइट, फिर हो जाएगा रिश्ता, और फिर जिंदगी भर होगी फाइट। गुण नहीं देखने, बस केवल बाह्य आकृति, बाह्य सौंदर्य, भीतर में गुण है या नहीं, भीतर में उसके क्या है। तभी कहते हैं काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। अरे गुणों का महत्व है, गुणों का सौंदर्य है, बिना गुणों के सौंदर्य किस काम का? वो तो बनावटी फूल हैं, उन फूलों में खुशबू नहीं आ सकती, दिखने में फूल बहुत सुंदर हैं। आज इस हमारे हॉल को ये सजाया है इन कलियों से, दिखने में सुंदरता दे रहे हैं, सूंघ के देखो, दिखने में सौंदर्य है लेकिन इनके पास में सुगंध नहीं है। उसी तरह से व्यक्ति के पास कितनी भी बाहर की पढ़ाई हो, विदेश से पढ़ के आया हो, बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, लेकिन यदि उसके पास में सद्गुण नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उसकी पढ़ाई किसी काम की नहीं। और वो शिष्य, गुरु जी ने कहा कि मैंने जो सिखाना था सिखा दिया भैया, कल से तुम अपना जीवन शुरू करो, आश्रम से छुट्टी, आज फेयरवेल पार्टी करो और यहां से रवाना। होगी जी फेयरवेल पार्टी। अगले दिन अपने अपने बैग उठाए, वहां से सब अपने अपने स्थान के लिए रवाना हुए। उसमें से तीन विद्वान वो वहां से निकले तो चौथे ने कहा कि भाई देखो, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, मुझे भी साथ ले चलो। उन्होंने कहा कि अरे अरे तूने पढ़ा ही क्या है, तू जानता ही क्या, अरे जितनी विद्या हमने अर्जित करी है, जितना ज्ञान हमने अर्जित किया है, तूने तो कुछ नहीं पाया, गवार का गवार, मूर्ख का मूर्ख। गुरुजी ने मुझे ये सिखाया, उसने कहा मुझे ये सिखाया, मुझे ये सिखाया। उसने कहा कि ठीक है, आपके जितना तो नहीं सीख पाया, लेकिन जो है सो है। उसने कहा तू हमारे साथ रहेगा तो हमारे भी नाम खराब होगा, हम विद्वान और तू ऐसा, हम तुझे साथ नहीं ले जा सकते। उसने कहा ऐसा ना करो, मैं अकेला कहाँ चलूंगा, लंबा सफर है, जंगल का रास्ता है, आपके साथ मुझे ले चलो। हाँ अगर यही डर लगता है कि मेरे को साथ रखने से आपको कहीं नीचा देखना पड़ेगा, तो आप मुझे अपना नौकर समझ करके साथ रख लो। हाँ ये ठीक है, कोई पूछेगा तो कह देंगे हमारा नौकर है, सेवक है, हाँ ये ठीक है, चल भैया साथ में। चलते 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 जंगल में खूब आगे बढ़ गए, पुराना रास्ता था, जंगली रास्ता था,
एक गुफा आई। उस गुफा के बाहर उनको हड्डियां ही बिखरी हुई दिखाई दी, खूब सारी हड्डियां पड़ी थी। उन हड्डियों के ढांचों को बिखरे हुए देख करके उन्होंने कहा कि अरे ये इतनी सारी हड्डियां किसकी हैं? तो उसमें से जो कम पढ़ा लिखा था उसने कहा कि मुझे लगता है ये हड्डियां शेर की होनी चाहिए। क्या तेरे को क्या आता जाता है, तू हड्डियों से देख के कैसे कह रहा है शेर की हड्डियां? अरे शेर नहीं, गीदड़ की हड्डियां। ठीक है भैया, तुम बड़े पढ़े लिखे हो तो तुम ही सही। तो उसमें से एक ने कहा कि ये जो हड्डियां बिखरी हैं, अब मैं जो सीख करके आया हूं, मुझे गुरु जी ने जो सिखाया है, क्यों ना मैं अपनी विद्या का प्रयोग करके देखूं कि मुझे सच में विद्या जो मिली है वो सच में मेरे पास है या नहीं, प्रैक्टिकली देखें। मुझे गुरु जी ने सिखाया है कि हड्डियां अगर टूट गई हों तो उनको जोड़ दिया जाता है, तो मैंने हड्डियां जोड़ने का प्रशिक्षण लिया। किसी की हड्डी वड्डी टूट जाए तो बिना मालिश किए मैं जोड़ देता हूं, चलो देखता हूं मैं। उसने हाथ जोड़े, गुरु जी को याद किया और कहा कि अगर मेरे पास गुरु जी ने ये विद्या सिखाई हो तो ये सारी की सारी जो हड्डियां बिखरी हैं ये सब जुड़ जाए। और देखते ही देखते वो सारे हड्डियों का ढांचा वहां पर जुड़ के इकट्ठा हो गया। उसने कहा देखा, मेरी विद्या, मेरी पढ़ाई, मेरी योग्यता सारी हड्डियों को जोड़ दिया। दूसरों ने तारीफ करी, वाकई बहुत अच्छी तूने विद्या प्राप्त करी। दूसरे ने कहा करी इससे क्या होता है, इससे मालूम थोड़ी पड़ता ये कौन सा जीव है, कौन सा जानवर है। मेरे पास विद्या है कि अगर किसी के पास चमड़ी ना हो, ऊपर शरीर की चमड़ी उतर गई हो, चर्म रोग हो, तो मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं उसे चमड़ी दे सकता हूं। ये हड्डियों का ढांचा कोई काम का नहीं, मैं इसको चमड़ी से भर देता हूं। उसने मंत्र पढ़ा, जाप किया, सारी चमड़ी आ गई और उसमें से शेर का रूप आ गया। जैसे ही शेर का रूप बना दोनों खुश हो गए, देखा हमारी विद्या काम आ गई। तीसरे ने कहा इससे क्या होता है, हड्डियां और चमड़ी से होना क्या है? अरे सबसे बड़ी विद्या तो मेरे पास है जो गुरुजी ने सिर्फ मुझे सिखाई है, और वो है कि मरे हुए जानवर में प्राण डालना, ये तो मेरे पास है, ये तो काम मैं करूंगा। चौथा जो कहता भाई बा अगर तूने इसमें प्राण डाल दिए तो पता है क्या होगा? उसने कहा तू चुप करना, तुझे आता जाता क्या, तेरे को यह सब आता था? हमारे साथ रह करके कुछ सीख ले, कुछ जान ले, विद्वानों की संगति में रह करके तू भी कुछ सीख जाएगा। उसने कहा कि ऐसी विद्या तो मुझे नहीं सीखनी। उसने कहा भाग यहां से। उसने कहा अभी तो भागना ही पड़ेगा, जो तुम काम करने जा रहे हो अब उसमें तो मुझे भागना ही पड़ेगा। उसने कहा अब मैं यहां से दूर चला जाता हूं, तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहूंगा। उसने कहा चल चल डरपोक कहीं का, भाग यहां से, और उसको भगा दिया। और तीसरे वाले ने अपनी विद्या का प्रयोग किया, मंत्र का जाप किया और उस शेर के अंदर में प्राणों का संचार कर दिया। और जैसे ही शेर में प्राण आए और शेर ने जैसे ही आंख खोली उनको देखा, वो तो हंसे मुस्कुराए, देखा हमारी विद्या। और शेर ने एक झपट्टा मारा, तीनों को लपेटे में लिया, बड़े समय से भूखा था, तीन तीन मिल गए। विद्या थी, ज्ञान था, लेकिन उस ज्ञान को पचाने की योग्यता, किस स्थान पर कौन सा ज्ञान कितना प्रयोग में करना, वो विवेक उनके पास नहीं था, वो पात्रता उनके पास नहीं थी। और जिसने इतना ज्ञान ग्रहण नहीं किया था वो तो बच गया, और जो महापंडित होकर के आए थे वो शेर की भेंट चढ़ गए। ज्ञान तो हम सब ने बहुत पाया है, बहुत इकट्ठा किया, बहुत पढ़े हैं, लेकिन वो ज्ञान हमारा तारने वाला है या डुबाने वाला है? हमारे पास ज्ञान कैसा है, हमको तिरा रहा है या हमें डुबा रहा है? हमारे संसार को बढ़ा रहा है या हमारे संसार को कम कर रहा है? हम अपने कर्मों को बढ़ा रहे हैं या हम अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, कौन सा ज्ञान है? ज्ञान नहीं, हमारे पास में अज्ञान है, अज्ञानता से भरे हैं, अंधकार से भरे हैं। और इस अंधकार को दूर करने के लिए हमारे महापुरुषों ने
खुद अध्ययन किया, परमात्मा की वाणी को पाया, उस ज्ञान के सागर का अलोडन विलोडन करके उसमें से जो निष्कर्ष पाया, नवनीत पाया, उस निष्कर्ष को, नवनीत को हमारे कल्याण के लिए उन्होंने अलग अलग ग्रंथों की रचना करके और सरल रीति से हम समझ सके इस तरह से उन्हें हमारे सामने प्रस्तुत किया। नहीं तो इतना कठिन ज्ञान हमारी बुद्धि में कहां चढ़े। लेकिन महापुरुषों की कितनी कृपा कि हमारे लिए उसको इतना सरल किया, इतना सरल किया। धन्य है उन दोनों महापुरुषों को जिन्होंने अपने गुरु से भी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, फिर काशी जाकर के 12-12 वर्षों तक कितनी मेहनत करी, दूसरे धर्मों का, दर्शनों का, ग्रंथों का गहन ज्ञान अध्ययन किया और जब परम विद्वान बन गए और गुरु ने कहा कि भैया अब पधारो, मेरे पास जितना था मैंने तुम्हें दे दिया, तुम परम विद्वान बन गए, तुम परम विनीत हो, विनम्र हो, योग्य हो। उन्होंने कहा कि गुरु जी आपने सब कुछ सिखा दिया, एक ग्रंथ बाकी है। ना भाई, वो नहीं मैं देने वाला, वो तो इतना रहस्यात्मक ग्रंथ है, वो तो केवल मैं अपने कुल के ही, जो मेरे कुल के सदस्य हैं, मेरे कुल के जाए जन्मे हैं, केवल मैं उनको ही ये ग्रंथ पढ़ाता हूं और किसी को भी ये ग्रंथ दिखाता भी नहीं हूं। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, इस ग्रंथ में है क्या, ऐसी क्या खूबी है, क्या कमाल होगा इस ग्रंथ में, इतने ग्रंथ पढ़े, एक ग्रंथ को पढ़े बिना यदि हम चले गए तो मन बेचैन रहेगा, ये ग्रंथ भी लेना पड़ेगा। और गुरु जी की जो धर्म पत्नी थी, गुरु माता के चरणों में पहुंचे, निवेदन किया, 24 घंटे के लिए उनको ग्रंथ माता जी ने दिया कि कल लौटा देना उनके आने से पहले पहले। और वो लेकर के गए ग्रंथ, जाकर के अपने स्थान पर उस ग्रंथ को खोला तो देखा उस ग्रंथ में 1200 सूत्र थे, 1200 सूत्र। उन्होंने कहा इतना बड़ा ग्रंथ है, 1200 सूत्र हैं, इतनी गाथाएं हैं, और कल तो ये ग्रंथ लौटाना है, कब तो हम देखेंगे, कब तो हम लिखेंगे, पूरा पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्या करेंगे, ये ग्रंथ फिर कब देखने को मिलेगा, दुर्लभ हो जाएगा। उस समय महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने कहा, विनय विजय जी एक काम करते हैं, ये 1200 गाथा का विशाल भव्य ग्रंथ है, इसका अध्ययन तो हम बाद में कर लेंगे, पहले इसको याद कर ले। महापुरुषों की बुद्धि का चमत्कार देखो। महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज कहते हैं ये 1200 हैं, इसमें से 700 गाथा मैं याद करता हूं, 500 गाथा तुम याद करो और 24 घंटे में ग्रंथ हम वापिस लौटा देंगे। और उस समय वो एक लीन हो गए, पहली 700 गाथा यशो विजय जी ने ली, पीछे की 500 गाथा विनय विजय जी महाराज ने ली और पूरे ग्रंथ को पूरी रात्रि भर के अंदर में तो याद करके अगले दिन लौटा दिया। ये हमारे महापुरुष हुए हैं, इतने ज्ञानी हमारे महापुरुष हुए, ऐसी उनकी ज्ञान की उनकी प्रतिभा थी। क्या हमारे महापुरुष हुए, क्या ज्ञान की तड़प थी, क्या ज्ञान की तमन्ना थी, एक रात्रि भर के अंदर में 1200 गाथाएं, श्लोक सब याद कर लिया, अगले दिन ग्रंथ बांध करके पकड़ा दिया और फिर वापिस लौटे और आ करके फिर उनको लिखना शुरू किया, जो याद किया इतनी गाथाएं एक रात में। और उसके बाद में लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, पूरा का पूरा ग्रंथ उन्होंने मुंह जुबानी लिख दिया, तब जा करके ये ज्ञान का वारसा मिला है। ऐसे महापुरुष जिन शासन में हुए हैं, ऐसे ज्ञान की प्रभावना नहीं हुई, ऐसे ज्ञान हम तक नहीं आया, उन महापुरुषों ने कितनी मेहनत करी हमारे लिए, और हमको लगता है कि कुछ भी नहीं है। 1200 गाथा एक रात भर में। आत्माराम जी महाराज तो अभी हुए, हमारी गुरु परंपरा के नायक, क्या उनकी बुद्धि थी, क्या उनका ज्ञान था, प्रतिदिन 300 गाथा कंठस्थ करते थे। कौन? आत्माराम जी।
प्रतिदिन की 300 गाथा कंठस्थ और 45 के 45 आगम कंठस्थ, संपूर्ण जिनवाणी, सारे आगम, सारी टीकाएं। और इतना नहीं, केवल जैन धर्म नहीं, अन्य धर्म दर्शनों के भी ज्ञाता, षड द्रव्यों के ज्ञाता, षड दर्शन के ज्ञाता, ऐसे आत्माराम जी महाराज। क्या ज्ञान का वारसा उन्होंने पाया। और आत्माराम जी महाराज सबसे सारा ज्ञान का वारसा गुरु वल्लभ ने प्राप्त किया। बहुत कम समय मिला गुरु वल्लभ को गुरु आत्म के सानिध्य का, मात्र 10 वर्ष। 1944 में तो वल्लभ सूर्य जी की दीक्षा हुई, संवत 1944 राधनपुर में, और संवत 1953 में आत्माराम जी का कालधर्म हो गया। 6 और 3 9 साल, केवल 9 साल के अल्प काल में आत्माराम जी महाराज के सानिध्य में रहने से 9 साल में उन्होंने आत्माराम जी से सारा ज्ञान का वारसा वल्लभ सूर्य जी ने प्राप्त किया, तब जाकर के इतना ज्ञान फैलाया। कितनी मेहनत की महापुरुषों ने, कितने ग्रंथ लिखे, कितने शास्त्रार्थ किए। अरे सामने आकर के ललकार के जाते थे, आओ हमारे से शास्त्रार्थ करो। क्या हिंदू धर्मी, क्या बौद्ध धर्मी, क्या मुस्लिम धर्मी, क्या जैन धर्मी, अन्य संप्रदाय भी शास्त्रार्थ होते थे। शास्त्रार्थ करने के लिए कितना ज्ञान चाहिए, और उसमें विजय पाते थे। तो इस तरह से हमारे ज्ञानी पुरुषों ने ये ज्ञान का अध्ययन और आराधन किया, और हमारे कल्याण के लिए इन महापुरुषों ने कितना लिखा, कितनी कलम चलाई। जब 12 वर्षों के बाद वापस गुरु के पास लौटे, गुरु ने हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिए कि बेटा अब लोक कल्याण के कार्य में लगो, अब जन जन को धर्म से जोड़ो, परमात्मा से जोड़ो, ये परमात्मा की वाणी विश्व में फैलाओ। पहला दिन था, संध्या का समय हुआ, श्रावकगण पधारे प्रतिक्रमण करने, पूरा उपाश्रय भरा है, महामुनि आए हैं, ज्ञान योगी आए हैं। और जैसे गुरु महाराज प्रतिक्रमण में बैठे, प्रतिक्रमण में जब सज्जाए का अवसर आया तो श्रावकों ने कहा कि गुरु महाराज, दोनों महाराज से पधारे हैं, सज्जाए का आदेश आप इनको दीजिए। यशो विजय जी महाराज को सज्जाए का आदेश मिला, और उस समय उन्होंने 5 गाथा की सज्जाए बोली, 5 गाथा की, कड़वा फल छे क्रोध ना, ऐसा 5 गाथा की सज्जाए बोली। 2-5 मिनट में सज्जाए पूरी हो गई। श्रावकों ने कहा, प्रतिक्रमण पूरा होने के बाद में, महाराज साहेब हम तो समझते थे ये मुनि 12 साल पढ़ करके आए हैं, कितना ज्ञान अर्जन करके आए हैं, आने के बाद में सज्जाए भी तुझने तो 5 गाथा की, क्या पढ़ के आई, क्या सीख के आई, 12 साल तक क्या किया इन्होंने, क्या खाली घास ही काट के आए। ये श्रावकों ने टोना दिया, और अगले दिन सम को प्रतिक्रमण का समय हुआ। प्रतिक्रमण के अंदर श्रावक बैठे और उपाध्याय जी ने आदेश मांगा, सज्जाए का आदेश दिया जाए। गुरुदेव ने आदेश दिया और उन्होंने सज्जाए प्रारंभ करी। 1 गाथा 2 गाथा 10 गाथा 20 गाथा 50 गाथा 100 गाथा 150 गाथा 200 गाथा। श्रावक बस करो बाप जी, बस करो, कितनी लंबी सजाए बाकी, अरे बाप जी बस करो, 200 गाथा 250 गाथा 300 गाथा। हालत क्या हुई होगी श्रावकों की, अरे पूरा समस्त्री प्रतिक्रमण ही निकल जाए पूरा उस सजाए में, इतना बड़ी लंबी उन्होंने सजाए उसी समय बना करके उन्होंने शुरू करी। श्रावकों ने कहा, महर्षि अभी कितनी बाकी है, इतना समय हो गया अभी तक सज्जाए पूरी नहीं हुई। उपाध्याय जी ने कहा कि जो 12 साल घास काटा है ना, अभी तो केवल उसके पुल्ले ही बांध रहा हूं। तो हमारे गुरु कितने ज्ञानी, 350 गाथा की सज्जाए रची।
यशो विजय जी महाराज ने, और यशो विजय जी महाराज को उस समय में आज से 300 साल पहले हुए, डबोई में उनका काल धर्म हुआ है, डबोई में, वहां पर उनकी समाधि है डबोई में, बोडेली के पास आगे। और यशो विजय जी महाराज, विनय विजय जी महाराज इतने विद्वान थे कि उस जमाने में ये कहा जाता था कि अगर दाढ़ी मूछ वाली सरस्वती देखनी हो तो यशो विजय जी महाराज को देखो, दाढ़ी मूछ वाली सरस्वती, यशो विजय जी महाराज। और यशो विजय जी महाराज ने अपने जीवन में विद्वानों के योग्य ऐसे ऐसे ग्रंथों का सृजन किया, ऐसे टिपिकल विषय, तात्विक विषय, न्याय से जुड़े हुए विषय, न्यायाचार की पदवी से अलंकृत, काशी में ब्राह्मण पंडितों ने जिनको किया, न्याय के परम विद्वान, उन्होंने ऐसे विद्वानों के भोग्य ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। और विनय विजय जी महाराज ने हमारे लोक कल्याण की भावना को देखते हुए हमारे जीवन से जुड़े विषयों को अधिकांश उन्होंने लेखनी चलाई। आज हमारे जीवन के अंदर में आराधना के योग्य पर्युषण महापर्व सबसे मुख्य है, और पर्युषण महापर्व की आराधना विनय विजय जी महाराज के बिना अधूरी है। कारण कि पर्वाधिराज पर्युषण में पूरे हमारे साधु समुदाय के अंदर में अगर कल्प सूत्र वाचन किया जाता है तो वो कल्प सूत्र के जो टीका है, सुबोधनी टीका, उस सुबोधनी टीका के रचयिता यदि कोई है तो उपाध्याय विनय विजय जी महाराज हैं। इसलिए विनय विजय जी महाराज ने ही ये कल्प सूत्र के व्याख्यानों की टीका रच करके ये हमें सरल किया। पर्युषण की आराधना उनके बिना अधूरी है। उसके बाद वर्ष में दो बार शाश्वती ओली की आराधना आती है, चैत्री ओली और आसोज ओली, और इन दोनों ही ओली के दिनों में श्रीपाल मैना सुंदरी का रास वांचन किया जाता है। उस श्रीपाल मैना सुंदरी के रास के रचयिता यदि कोई हैं तो उपाध्याय विनय विजय जी महाराज हैं। इस रास की रचना करते 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 उनका काल धर्म हो गया, इसी राज की रचना करते हुए, और बाकी की जो रास बची वो उनके गुरु भाई यशो विजय जी महाराज ने पूरी करी। इसलिए दोनों महापुरुषों ने, ये जो श्रीपाल राजा की रास है ये दोनों की रचना है। पहले जो विभाग है वो विनय विजय जी महाराज का है, और आगे का जो विभाग है वो यशो विजय जी महाराज का है। उनके बिना हम ओली की आराधना भी नहीं कर सकते। और तीसरा मुख्य हमारे जीवन से जुड़ा, जीवन का अंतिम समय, हमारे जीवन के अंतिम समय में समाधि रहे, उसके लिए अंतिम समय में हमारे यहां पर पुण्य प्रकाश स्तवन सुनाया जाता है, पुण्य प्रकाश नाम का स्तवन। उस पुण्य प्रकाश स्तवन के भी रचयिता उपाध्याय विनय विजय जी महाराज हैं। तो चाहे पर्युषण हो, चाहे ओली हो, चाहे जीवन का अंतिम क्षण हो, ना जाने कैसे कैसे उन्होंने रचनाएं, कैसे ग्रंथों की रचना करके हमें यह अमूल्य वारसा दिया। जीवन में शांति चाहिए, उसके लिए शांत सुधारस ग्रंथ की रचना करी। पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना के लिए उन्होंने पर्युषण की व्याख्यान की टीका की रचना करी, ओली के लिए रास की रचना करी, और अंतिम समाधि के लिए उन्होंने पुण्य प्रकाश स्तवन की रचना करी। ये सारा उपकार, ना जाने इसके अलावा कितने ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया, इतनी लंबी सूची है, हम तो सूची का नाम भी पूरा नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे महापुरुषों का ज्ञान में जीवन, जिनके रचे हुए ग्रंथ का हमें पारायण करना है, जब तक उन महापुरुषों को जान ना ले, उनके प्रति अहोभावना आ जाए, उनके प्रति सद्भावना आ जाए, तब तक ये ग्रंथ हमारे भीतर नहीं उतर सकता। उनका अनंत उपकार है कि ये ज्ञान जल उन्होंने हमें दिया, लेकिन हमारी पात्रता कितनी है, हमारी योग्यता कितनी है, वो हमें तैयार करना है। इस ग्रंथ को धारण करने से पहले आप और हम अपने मन को
पवित्र बनाएं, इस पात्र में रहे हुए कचरे को साफ करें, स्वच्छ करें, और उसके बाद में ये परमात्मा की वाणी को हम ग्रहण करें। निश्चित ये परमात्मा की वाणी आपका और हमारा कल्याण करने वाली बनेगी, उद्धार करने वाली बनेगी, हमारे दुखों को दूर करने वाली बनेगी, भवसागर से पार उतारने वाली बनेगी। ऐसी परमात्मा की वाणी लोक मंगल के लिए हम सभी इसको अपने हृदय में स्थान दें। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज इतना ही। नित्यानंदम नमाम्यहम्। अभी अभी शांत सुदारस ग्रंथ के वांचन के लिए हमारे मुनि पंगव मोक्षानंद जी महाराज के ज्ञान की गहरी नदी के अंदर गोते लगा रहे हैं। कहां एक घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। प्रभु की वाणी में इतना रस होता है। अभी आपको पूछा जाए कि आपको पैसा कमाने में आनंद क्यों आता है? आपको पैसा कमाने में आनंद क्यों मिलता है? कोई कारण तो होगा। इधर ध्यान दीजिए, दो मिनट के लिए ही है। उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया। पैसा देखने में कमाने में आनंद क्यों आता है? कोई ना कोई कारण तो होगा ना। इसीलिए आप उस पैसे के लाभ को जानते हो। आपको पता है पैसा कमाने से, पैसा आने से घर की सारी सुख सुविधा के साधन मिल जाते हैं। इसलिए जहां पैसे का कमाने का समय आता है तो हम दौड़े दौड़े जाते हैं, क्योंकि पैसे के लाभ को जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको घूमने में आनंद क्यों आता है, कहीं हिल स्टेशन जाना हो तो ही घूमने के लिए जाना है तो मन में खुशी क्यों होती है, मन में आनंद क्यों आता है? कोई कारण तो होगा ना। नहीं बोलोगे, जाते तो आप हो। घूमने के लिए क्यों जाया जाता है? क्योंकि एक माइंड फ्रेश हो जाता। नहीं, नंबर दो पे एक स्फूर्ति, एक ताजगी का अनुभव होता है। फ्रेंड सर्कल के साथ घूमा जाता है, वार्तालाप होती है जी, हमको बेनिफिट लाभ सामने नजर आते हैं, इसलिए दो चार दिन का प्रोग्राम बनाकर हम चले जाते हैं। अगर आपको पूछा भोजन करने में आनंद क्यों होता है, उपवास वाले दिन आनंद आता है कि भोजन जिस दिन व्यास ना हो उदन आनंद आता है? गेट वाले जिस दिन पार ना होते कितनी जल्दी उठते हैं? नहीं उठते उस दिन। और जिस दिन उपवास होता है उस दिन आराम से उठते हैं। आपको भोजन में खाने में आनंद क्यों आता है? कोई कारण तो होगा ना। क्यों? पेट की पूर्ति होती है, पेट में जो चूहे कूद रहे होते हैं वो शांत हो जाते हैं, भूख की शांति हो जाती है, इसलिए हम भोजन करने में हमें आनंद दिखाई देता है। आपको मोबाइल देखने में आनंद क्यों आता है? मोबाइल देखने में क्यों खुशी मिलती है, क्यों आनंद आता है? क्योंकि दुनिया भर के समाचार दिखाई देते हैं। इस कारण से मोबाइल 24 घंटे चलता रहे ना तो भी चलता है। कल मुझको कोई कह रहा था कि नींद कब आती है, नींद आ गई, वो कहते जब टावर बंद हो जाता तो नींद आ जाती है, वैसे नींद नहीं आएगी। तो आपको ये चीजों का बेनिफिट पता है कि इसे ये करने से ये लाभ होता है, पैसा कमाने से ये लाभ होता है, घूमने से, तो आपको पूछो प्रवचन श्रवण करने में क्यों आनंद आता है? आनंद आता है क्या? प्रवचन श्रवण करने में आनंद आता है? ये बड़ी धीरे से बोल रहे हो, थोड़ा थोड़ा आ जाता है।
क्योंकि जिसका सामने लाभ दिखाई देता है उसको व्यक्ति खुशी खुशी उस काम को करता है। प्रवचन में आपको क्या लाभ दिखाई देता है, क्योंकि प्रवचन में जब आओगे, तप और त्याग करोगे, दान और ज्ञान लोगे, तो आपको सामने बेनिफिट दिखाई देना चाहिए। आज जो पैसा मिलता है, घूमने का मिलता है, मोबाइल मिलता है, कौन देता है? कहां से मिला आपको? इसे मिला किसने? दिया तो पैसा किसने दिया? पैसा कहां से आया? इसको गहराई में उतरो थोड़ा सा। आपको पैसे से सब कुछ मिला, पैसा कहां से आया? पुण्य से आया। पुण्य कैसे बंदा? हर चीज का जवाब होना चाहिए ना। आपको लगता है पैसे से सारी सुविधा मिल गई, पैसा आया कहां से? पुण्य से आया। पुण्य कहां से आता है? धर्म ध्यान करने से। सामने बेनिफिट, जितना मैं धर्म ध्यान करूंगा, जितना प्रवचन में आकर के ज्ञान की प्राप्ति करूंगा, जितना तप और त्याग करूंगा, जितना मैं दान आदि की भावना रखूंगा, उतना मेरा पुण्य बढ़ने वाला है। जितनी भगवान की भक्ति करूंगा, जितना समय घर की उपेक्षा उपासना में लगाऊंगा, जितना गुरुओं का संग करूंगा, उतना मेरा पुण्य बंधने वाला है। वो पुण्य बंधवाते हैं साधु साध्वी। अगर साधु साध्वी ना आए हो, आपका पुण्य बंध सकता है? नहीं। क्योंकि पैसा कोई पुरुषार्थ से नहीं मिलता हो, जब भी समझ लो, पैसा पुरुषार्थ से नहीं, वह पुण्य से मिलता है। अगर पुरुषार्थ से मिलता होता तो आज मजदूर कितनी मेहनत करते हैं, वो कितना कमा लेंगे, 500 और 1000 कमा लेंगे। आप एक घंटी बजाते हो तो कितना आ जाता है? लाखों रुपया घर पे आ जाता है। ये क्या, जो पैसा मिलता है पुरुषार्थ कम, पुण्य से ज्यादा मिलता। वो पुण्य आता कहां से है? जो पुण्य आता है प्रवचनों के माध्यम से। इसलिए प्रवचन को श्रवण करने में आनंद आना चाहिए कि नहीं? कई बार व्यासना करके आती है तो मैंने क्या करती फिर आकर के, देखो इनको पता सको, आके सो ही जाती है। क्योंकि हम जो कहते हैं घर में संस्कारों का वारसा देना होगा, नहीं तो परिवार नहीं चलेंगे। आप छुट्टी वाले दिन बच्चों को लेके आओ कि बेटा तुमको आना ही पड़ेगा, शुरू शुरू में बिना मन के आएगा कोई बात नहीं, परंतु माता पिता का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह छुट्टी वाले दिन कम से कम सैटरडे संडे छुट्टी होते हैं, चलो आज तो प्रख्यान में जाना ही जाना है, आज महाराज जी के पास जाके बैठना ही बैठना है। तो ऐसा संस्कार घर से निकाल करके उनको उपासना में, आपके माता पिता नहीं लाए आपको, आपके माता पिता ने इतने सुंदर संस्कार दिए कि इतनी दूर होते हुए भी प्रतिदिन प्रवचन का श्रवण करने के लिए आते, तो ये वारसा आगे बच्चों को भी देना है। अब धीरे धीरे वही प्रोग्राम चालू होने वाले हैं जिसमें आप तो आओगे ही आओगे, आपके बच्चे भी यहाँ आना चालू हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर भाइयों की संख्या भी बहुत अच्छी तप के अंदर जुड़ी हुई है, इसका बहुत सुंदर महोत्सव भी होने वाला है। तो इस रीति से जो जो कार्यक्रम कराए जाएं उसके अंदर आप अवश्य आइए, आकर के पुण्य बांधिए, पुण्य बांध करके सदगति के मेहमान बनिए। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करूँ।